नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन और मैं आपका एक बार फिर से ब्रिलियंट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 1 की तरफ। यहां पर आपको बताया गया है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको पी एक्स दिया गया है और ये जी एक्स दिया गया है। विभाजन एल्गोरिथम विधि दोस्तों जो आप बचपन से करते आ रहे हैं वही आपने उस विधि का यूज करना है। और जो आप पहले संख्या के साथ भाग देते थे अब बहुपद के अंदर भाग देना सीखें। तो आइए चलते हैं भाग एक की तरफ। यहाँ पर मैंने एल्गोरिथम विधि का यूज किया तो यहाँ पर हम अंदर रखेंगे पी एक्स, पी एक्स की वैल्यू को हम अंदर रखेंगे। x की पावर 3 माइनस 3x की पावर तो प्लस 5x माइनस का 3, और जिसे भाग देना है यानी जी एक्स को हम बाहर रखेंगे क्योंकि इसे हम भाग देंगे। तो बहुत ही आसान तरीका रहेगा दोस्तों इस विधि का। तो सबसे पहले क्या करना है, जो अंदर दिया गया पी एक्स के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है उसको देखें। सबसे बड़ी संख्या x की पावर 3 है उसको अलग रखें। अब बाहर देखें, बाहर वाली संख्या जो जी एक्स है उसके अंदर सबसे बड़ी पावर क्या रहेगी, एक्स की पावर 2 से हम भाग देंगे। दोबारा देखें, जो पी एक्स के अंदर सबसे बड़ी संख्या को जी एक्स से सबसे बड़ी संख्या के साथ भाग देंगे तो यहाँ पर एक्स की पावर 2 यहाँ पर 3 तो कैंसिल होगा, तो आपको ऊपर सिर्फ एक्स बचेगा तो हम यहाँ पर उसको एक्स रखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जो आई संख्या है एक्स जो ऊपर रखी है उसकी गुणा हम जी एक्स के साथ करेंगे। इसके साथ तो एक्स की गुणा एक्स की पावर 2 के साथ करने पर आपको एक्स की पावर 3 मिलेगा, और एक्स की गुणा माइनस 2 के साथ तो यहाँ पर माइनस का 2 एक्स रखेंगे। अब एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक्स की पावर 3 है तो उसके नीचे रखेंगे, अगर यहाँ पर एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर 1 के ही नीचे रखेंगे। ठीक है, यानी 2 होता तो यहाँ पर लिखता 3x के पास, अगर x नहीं होता तो 3 के नीचे लिखता। तो अब क्या करेंगे, इनके सिंबल चेंज करेंगे, निशान बदलेंगे। ठीक है, और पहली जो बहुपद होती है जो पद होता है वो कैंसिल होगा। अब जो बचा है उसको लिखना है माइनस का 3x की पावर 2 प्लस 5 और 2 7x और माइनस का 3। अब क्या करेंगे, दोबारा वही इस संख्या का सबसे बड़ी मतलब पद क्या है, इस बहुपद का सबसे बड़ा पद है माइनस का 3x की पावर 2 और उससे भाग देंगे बाहर वाली संख्या का सबसे बड़ी पावर के साथ। सेम से सेम कैंसिल तो आपको माइनस का 3 मिलेगा। अब जैसे माइनस का 3 मिला इसकी गुणाई दोनों के साथ करेंगे तो माइनस का 3 की x के वर्ग के साथ तो माइनस का 3x की पावर 2 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा और 2 3 6 रहेगा। अब एक चीज ध्यान में रखें कि जो यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है गुणा करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर अचर राशि के नीचे अचर राशि ही लिखी जाएगी। भाग सॉरी सिंबल चेंज करेंगे, माइनस का प्लस और यहाँ पर माइनस होगा कैंसल एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर प्लस का 7x और माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9 आपके पास बचेगा। अब आप देखें कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी पावर है 2, लेकिन आपके पास नीचे बड़ी से बड़ी पावर क्या मिली, 1 मिली है, तो ये आगे भाग नहीं होगा। अगर यहाँ पर 2 या एक्स की पावर 3 होती तो हम आगे भाग करते, तो इसलिए यहीं पर आप ये प्रश्न खत्म हो गया। तो इसने दो चीजें पूछी थी, भागफल, तो आपको भाग देने पर आपको भागफल मिला है, ये वाली संख्या है एक्स माइनस 3, और शेषफल की बात करें तो जो नीचे बचता है उसको शेषफल बचते हैं बोलते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 3x माइनस का 9 आंसर होगा, ये भागफल और ये शेषफल। तो आगे भाग नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपको पी एक्स दिया है x की पावर 4 माइनस 3x की 2 प्लस 4x प्लस 5, और जी एक्स दिया है x की पावर 2 प्लस 1 माइनस का x। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, जो जी एक्स है उसको थोड़ा आगे पीछे लिखा तो उसको सही तरीके से लिख लेंगे, तो जो x माइनस का x इसको बीच में रखेंगे। ठीक है, पावर 2 पावर 1 और बिना चरक वाली संख्या। तो अब बहुपद सॉरी ये जो पी एक्स के वैल्यू को अंदर रख लिया, अब इससे भाग देंगे वही जो हमने पहले प्रश्न के अंदर किया था कि जिसके अंदर सबसे बड़ी पावर है एक्स की पावर 4, तो इसको हम ऊपर रखेंगे उससे भाग देंगे किसके साथ, जो बाहर वाली संख्या जो जी एक्स उसकी बड़ी संख्या यानी एक्स की पावर 2 के साथ।
तो यहाँ पर चार है पावर है, यहाँ पर दो, तो कैंसिल होने के बाद यहाँ पर एक्स की पावर 2 मिली, और जो एक्स की पावर 2 है वो हमने भागफल पर रख ली। अब क्या करेंगे, जो भागफल है और जो जी एक्स था हमारे पास, इन दोनों की गुणा करेंगे, एक्स की इन सब के साथ करेंगे। तो एक्स की 2 की एक्स की 2 के साथ, तो एक्स की पावर 4। अब ध्यान से देखें, माइनस का निशान है, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1, एक्स की पावर कितनी होगी दोस्तों, 3। लेकिन यहाँ पर एक्स की पावर 3 आपको नहीं दिया गया है बहुपद के अंदर, तो इस केस में क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पर नहीं मिला तो उसको थोड़ा अलग रख लेंगे, एक्स की पावर 3, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं आएगा, माइनस एक्स की पावर 3 को हम अलग रखेंगे। अब एक्स की पावर 2 की 1 के साथ, तो यानी कि प्लस की एक्स की पावर 2 रखी हमने, इसलिए अलग रखा दोस्तों, ताकि यहाँ पर एक्स की पावर 3 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इन सब के निशान चेंज करेंगे, साथ में इसका भी निशान चेंज होगा, तो सेम से सेम कैंसल। अब यहाँ पर बड़ी पावर आपको ये मिली है एक्स की पावर 3, जो है प्लस के अंदर, तो यहाँ पर एक्स की पावर 3 रखेंगे। अब माइनस का 3 और माइनस का 1, तो माइनस के 4 एक्स की पावर 2, प्लस का 4 एक्स और प्लस का 5 यहाँ पर रख लिया दोस्तों। अब वही काम, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स की पावर 3, और यहाँ पर है सबसे बड़ा एक्स की पावर 2, तो जैसे 2 को 3 से कैंसिल किया तो आपको एक्स ही मिलेगा, तो यहाँ पर मैंने प्लस का एक्स रख लिया। अब इनकी गुणा करेंगे, एक्स की 2 के साथ, तो यहाँ पर एक्स की पावर 3, एक्स की माइनस एक्स के साथ, तो माइनस एक्स की पावर 2, एक्स की 1 के साथ तो एक्स रखा। अब यहाँ पर निशान चेंज करेंगे, यहाँ पर प्लस प्लस है तो माइनस कैंसल। अब यहाँ पर देखें, माइनस का 4 और प्लस का 1 एक्स का स्क्वेयर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 3 एक्स की पावर 2 होगी, और प्लस का 4 माइनस का 1, तो यहाँ पर प्लस की 3 एक्स और यहाँ पर प्लस का 5 होगा। फिर वही काम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है माइनस 3 एक्स की पावर 2, उससे भाग देंगे एक्स की पावर 2 के साथ, तो एक्स की 2 से एक्स की 2 कैंसिल, यहाँ पर माइनस का 3 बचा जो हमने भागफल के अंदर रख लिया। अब माइनस 3 की एक्स की वर्ग के साथ, तो माइनस 3 एक्स की पावर 2, माइनस और माइनस प्लस 3 की एक्स के साथ प्लस का 3 एक्स, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस रहेगा, 3 एकम 3 आएगा। अब फिर वापिस निशान चेंज करेंगे, प्लस है माइनस करेंगे और माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पर कैंसल, सेम से सेम कैंसल, प्लस का 5 प्लस का 3 आपको 8 मिलेगा दोस्तों प्लस का। तो आपने पता लगाना था भागफल और शेषफल, भागफल आपको एक्स की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 3, और जो शेषफल पता लगाना था, जो बची हुई संख्या है शेषफल, वो है 8, या आपका आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों भाग नंबर 3 की तरफ, आपको पी एक्स और जी एक्स दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से बड़ी संख्या एक्स की पावर 4 यहाँ पर लिखेंगे, और जो छोटी सॉरी जो बाहर जी एक्स, उसकी पावर क्या है, माइनस एक्स की 2, तो यहाँ पर आपको माइनस एक्स की 2 मिलेगा, जो कि यहाँ पर लिखेंगे भागफल की जगह। और अब इन दोनों की गुणा करने पर आपको माइनस का सॉरी प्लस का एक्स की 4 मिलेगा। अब माइनस का एक्स की 2 की गुणा प्लस के 2 के साथ करेंगे, तो यहाँ पर इसको अलग से रखेंगे, क्योंकि एक्स की पावर 2 पी एक्स के अंदर नहीं है, इसलिए इसको अलग रखा। अब आगे इस ये जो अलग रखा था उसको आगे रखेंगे, और 5x प्लस का 6 नीचे उतारा, तो अब इसके अंदर बड़ी संख्या है प्लस का 2x की पावर 2, तो 2x की पावर 2, यहाँ पर आपको माइनस का एक्स की 2 मिला है भाग देने पर, एक्स की 2 से एक्स की 2 कैंसिल, और 2 बचेगा और साथ में माइनस का निशान रहेगा, तो यहाँ पर हम माइनस का 2 रखेंगे। तो माइनस और माइनस प्लस 2 की एक्स की वर्ग के साथ 2x की 2, और माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, तो यहाँ पर निशान बदलेंगे, प्लस का माइनस और माइनस का यहाँ पर प्लस होगा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल होगा, तो आपको यहाँ पर माइनस का 5x नीचे उतारें, और 6 और 4 10। अब यहाँ पर एक्स की पावर 1 है और यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, तो आगे भाग नहीं हो सकता, तो आपका ये शेषफल होगा और ये भागफल। तो मैंने यहाँ पर भागफल माइनस का एक्स की 2 माइनस 2 और शेषफल माइनस का 5x प्लस 10 रखा, तो ये आपका
फाइनल आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।